पवन पुत्र वर्सेस मेहंदी लगा के रखना 3। जी हाँ, आपको तो पता ही है कि ये दोनों फिल्म होली के मौके पर रिलीज़ हुई थी। इन दोनों फिल्मों को भाई अच्छा रिस्पांस भी मिला था। लोग कह रहे थे मेहंदी लगा के रखना 3 पवन सिंह की फिल्म पवन पुत्र से ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर रही है, लेकिन इसका कोई साक्षात सबूत सामने नहीं आया था। खैर, आगे हम बढ़ते हैं। हम क्यों कह रहे हैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की फिल्म, यानी ये दोनों फिल्म हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी होंगी, क्योंकि वो इसलिए कि लॉकडाउन के पहले ये दोनों फिल्में रिलीज़ हुई थी एक ही साथ, अब लॉकडाउन के बाद भी यही दोनों फिल्में एक साथ रिलीज़ होने वाली है। जी हाँ, ये खबर हम आपको बिल्कुल पक्की दे रहे हैं कि ये फिल्में लॉकडाउन ख़त्म होते ही तुरंत बिहार के सिनेमाघरों में रिलीज़ होंगी, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि देखा जाएगा कि कौन सी फिल्म अब अपना जादू बरकरार रखती है। जी हाँ, बहुत दिन हो गए, लॉकडाउन को तकरीबन एक महीने से ऊपर हो चुका है, और भाई किसी भी भोजपुरी फिल्म के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है और जो भी भोजपुरी फिल्म चल निकलेगी, चाहे वो पवन पुत्र होगी या फिर मेहंदी लगा के रखना 3 होगी, वो इस साल का स्टार तय कर देगी, यानी कि इस साल ये साल किसका है, पवन या खेसारी का। क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो YouTube पर खेसारी के कई ऐसे गाने आए हैं जिन्होंने राज किया है, कई ऐसे गाने आए हैं जिसने नहले पे दहला मारा है। और अगर पवन सिंह की ये फिल्म पवन पुत्र खेसारी लाल यादव की फिल्म को टक्कर दे देती है और कहीं उससे 20 निकल जाती है, तो खेसारी लाल यादव के लिए ये बहुत बड़ी शॉकिंग खबर होगी। और अगर ये काम खेसारी लाल यादव कर देते हैं तो पवन सिंह के लिए, क्योंकि ये फिल्में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगी किसी की भी स्टारडम को तय करने के लिए। फिर कहा जा रहा है लॉकडाउन के बाद तो लगातार भाई बारिश होने वाली है भोजपुरी इंडस्ट्री में ट्रेलर्स की, साथ ही साथ आपको बता दें गानों की, गाने तो वैसे भी रिलीज़ हो रहे हैं लेकिन और भी जो अभी ऑडियो सॉन्ग रिलीज़ हो रहे हैं उसके बदले अब वीडियो सॉन्ग रिलीज़ होंगे। और आपको बता दें कि साथ ही साथ कई फिल्में रिलीज़ होंगी जो अभी तक बन तो चुकी हैं लेकिन उनका टाइटल नहीं रखा गया है, वो भी रिलीज़ होंगी टाइटल के साथ। यानी कि लॉकडाउन के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री अगर फिल्मों के मामले में, एल्बम के मामले में बात करें, तो अगर नया कीर्तिमान स्थापित करती है और ये दोनों फिल्में, जैसा कि हमने शुरू में ही बात की, मेहंदी लगा के रखना 3 और पवन पुत्र, दोनों अगर हिट होती हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि काफ़ी घाटे में चल रही है इंडस्ट्री, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।